चार एसिड एक्स तो एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो मेरे को अभी सोंजा बीवा का कॉल आया था, उसने थोड़े पैसे दिया। रुस्तम मार्टल भाई, मैं बहुत टाइम से इस बंदे का वेट कर रहा हूँ कि इसका कॉल आए। तो इस वक्त मैं क्या करता हूँ ना, मेरा सबसे इजी ट्रिक है, यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए एंड यहाँ पे अपनी गाड़ी स्पॉन कर ली। सो इससे मेरा टाइम बचता है यहाँ तक आने का। अब देखो, अब देखना कितना पास है, बस आगे जाना है, आगे से राइट लेना है एंड बहुत ही पास पड़ेगा फिर। तो मैंने इसके कलर को भी ज़रा सा एडिटिंग की थी और मैंने थोड़े पैसे कलेक्ट कर लिए। एक लम्बोर्गिनी उरुस ले रहा हूँ भाई, उस रुस्तम मार्टेल के पास अलग ही तेजी दिखाते हुए पहुंचना पड़ता है। अरे जितने कॉल्स आए ना, ये बंदे का कितना अच्छा रिलेशनशिप है मेरे से, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा अलग ही पागल बना कर रहा है। इतने अच्छे रिलेशनशिप को बिगाड़ने की इन भाई को अलग ही कीजिए है। सीरियसली अगर यहाँ पे 10000 होने से पहले अगर मैंने इसको पहुंचा दिया ना, रिलेशनशिप बढ़ेगी और पूरा अगर पूरा जीरो हो गया टाइम, उसके बाद तो तुम समझ ही लो कि रिलेशनशिप कम हो जाएगी। एक सेकेंड भाई, ढंग से चल जा, मेरी कार है, क्या है भाई ये। यस, एक ड्रिफ्ट ने बचा लिया, उस ड्रिफ्ट ने बचा लिया। जैसे ही मेरी कार ड्रिफ्ट हुई ना, टेढ़ी होके ऊपर चढ़ गई। ओके, ज्यादा अच्छे पैसे नहीं दिया आज बंदे ने, 295 हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ, वो कार है, उस कार की प्राइस। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया था, यहाँ पे गराजेस के ऑप्शन में मेरा था पहले स्टार्टर गराज। अरे भाई नहीं, मैं गराज तो अपना मॉडर्न गराज सिलेक्ट करके ही जाऊंगा। इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर के पास जाना है। कौन है कौन वैसे ही महान? अबे क्या है वे, यहाँ पास में नहीं कर सकता? नहीं मतलब वाह, मजा ही आ गया ऐसे काम होते। द हिल्स, केटी कैश, ओ शिट। मैं तो क्या ही करूं, एक काम करता हूँ प्रो। अरे टाइम रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये खोल के रखा, यहाँ आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी स्पॉन हो गई, हो गया काम। ओ हाँ हेरल्ड, अच्छा हाँ बंदे डिलीवर 7 कस्टमर, 15 मिनट खेलना है भाई। 15 मिनट की तो बात ही छोड़ो, तो मेरे को अभी निकलना पड़ेगा द हिल्स, 43 सेकेंड्स बचे हैं जिस। तो मैं पहुंचते ही, ओके गाइस, मैंने उस बंदी को डिलीवर भी कर दिया। एंड सोचो क्या, उसको लाइक इतना कम टाइम था, बहुत जल्दी पड़ी थी उसको। तो डिलीवर करते ही मैं लेट हो गया, हाँ डिलीवरी करने में उसको। उसको पहुँचा चैड रेमोस, पता है मैंने एक लिल बॉस के नाम के एक रैपर के साथ मेरा अच्छा कांटेक्ट है। तो आई वाज लाइक, उसको जैसे ही मैंने टाइम पे पहुँचाया ना, बंदा 50,000 पकड़ा के चला गया मेरे को। अब और क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम, एक छोटे से बॉस। उसका नाम भी क्या था, लिटिल बॉस, अपने आप को बॉस समझा, लेकिन सही है सही है सही है, हैवी बॉस भाई, टैक्सी बॉस में वो बॉस। मतलब आजकल ना ये 8 वाले बंदों को डिलीवर करने के अलग ही अच्छे पैसे मिले। क्रिस्टीन स्क्रोडर, अरे इसको तो कल ही डिलीवर किया, कल ही पहुंचाया था बंदी को। अरे छोटी बच्ची हो गया, इतनी जल्दी से रेटिंग कम करती है। भाई बंदी नहीं, अरे पहुंचा रहा है यार। 1.5x पे रुक जा प्लीज 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 प्लीज। और हो गया 1, हो गया 17। वो अभी पूरे मस्त $20,000 देती है। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस नहीं की है, हो सकता है आप लोगों ने की होगी, और वो है कि मेरे 3,45,000 पूरे हो सकते हैं थोड़ी सी ही देर में, जिसके लिए मैं न्यू टेनेंट ढूंढ भी रहा हूँ अपनी कार के। अरे यस, आ गया कॉल। तो मैं अभी एक ब्रेक लेता हूँ,
आप लोग ब्रेक एंजॉय करो एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मुझको कॉल आ चुका है एक मस्त माफिया बॉस का। मोस्टली 8.6 या 9 रेटिंग वाले होते हैं एंड जब ये पैसा देते हैं ना, एक बार में ऑलमोस्ट $1,00,000 दे सकता है अगर मैंने इसको अच्छे से टाइम पे पहुँचा दिया। मतलब चांस लाइक ना 80% चांस, 80 तो नहीं कह सकते, 40% चांस रहते हैं ये आपको मस्त 1,00,000 देंगे। अगर आप इनको पंचुअल टाइम पे पहुँचाते हो तो 100% चांस होता है, बट अगर आप नॉर्मल टाइम पे भी पहुँचाते हो ना तो भी काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि आपको अच्छे पैसे देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल था माफिया बॉस, उसको मैंने पहुँचाया लेट। बोला डी $0 दिया यार, ये क्या हुआ? मतलब भाई सीधा $0 और इतनी गंदी बेइज्जती करी ना, साइलेंस, मतलब पैसे भी नहीं मांग सकता। अगर उसको 1 सेकंड पे भी पहुंचा देता ना मैं तो बहुत कुछ होता, लेकिन नहीं, बंदे को इज्जत इज्जत इज्जत। अरे रुक जाओ यार, मेरे यहाँ पे कार रिस्पॉन्ड करने के लाले पड़ रहे हैं। और भाई इनको तो भैया को तो सीधा वहीं जाना है, तो उस बंदे की जहाँ लोकेशन है ना, मेरे को सीधा ऑफिस टेलीपोर्ट होना पड़ेगा उस बंदे के लिए। टेलीपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी से फोन। और भाई सोचो क्या, जस्ट बाजू में मेरा ऑफिस है, और मतलब एयरपोर्ट जाने में मेरे को ज्यादा देर नहीं होने वाली अपनी बात। क्वालिटी अरे पायलट कैप्टन रोजर्स, खैरे $2,000 से ज्यादा दे नहीं पाएंगे बेचारे। अरे 16-17 हज़ार दे लिए ना तो मैं चैनल नेम बदल दूंगा, कसम से बोल रहा हूँ, आज के आज बदलूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इसने मेरे को $16,000 पकड़ा दिए ना तो मैं अपने चैनल नेम बदल दूंगा। वैसे तो ठीक ठाक ही लगता है फैंटम नर्स, बट ठीक है बदलूंगा जरूर, भले उसके लिए मेरे को कुछ तो भी नाम ना डालना पड़े, लेकिन मैं ना पक्का बदलूंगा जरूर अगर इसने दे भी दिया तो। अब हॉस्पिटल रश चल रहा है, बट भाई मैंने रश छोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि जब ये रश चलते ना इनके बीच में आते हैं मेरे को, कभी कभी डॉक्टर्स के भी कॉल आ जाते हैं, रेस ट्रैक चलो। तो अब मैं यहाँ पे रश $4,000 के रेट रश स्टार्ट कर या फिर मस्त $16,000 कमाऊँ। भाई 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 बात हुई थी 16,000 की, 14,000 दे दी। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा भाई बदलेगा जरूर। चलो कार शॉप ओपन हो, बहुत गलत हो वो जो उर्स लेनी थी मुझको, बहुत नीचे है, मैं ये ले सकता हूँ फरारी 6.8 की, 7 की, ये 7.1 की मास्टराटी क्वार्टो स्पोर्ट भी ले सकता हूँ, ये फरारी रोम मेरी कार है। टेरा आर्मर भाई साहब, अब तो मजा ही आ जाएगा, उसका रेटिंग है 7.6, यानी कि अच्छा जा सकता है, स्पीड ज्यादा नहीं है लेकिन इसकी। मैं सोच रहा हूँ ये लंबोर्गिनी कुरुस या तो फिर ऑस्टिन डीएक्सपी, इससे तो मैं सीधा ये ना ले लूं राइनेरो स्पिरिट, मतलब कोई सी तो बकवास गाड़ी है। 680 में हाँ ये अच्छी कार लगती है, बट स्पीड के मामले में, और रोल्स रॉयस घोस्ट बेस्ट, पर अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक एक्चुअली पैसे मैं इसलिए करने को मैं फ्रेंड को बोला हूँ कि हम एक ही साथ चलते हैं, हम लोग को यहाँ घुमाना अच्छा, आपको याद है एक दिन मुझे वैसे तो पैसे उसी कार जा फीवर सबसे, और अभी तक मेरे को और तीनों में इसको सिर्फ और सिर्फ और कितनी तेजी दिखाओ
आ गई यार, 11,000 हो गए। मैं फरारी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए 1,500 ट्रॉफीज लगेगी। एंड बुगाटी डीवो, रेटिंग देख के तुम्हारा मन करेगा इससे तो कुछ और ले ले। 7.8 में बुगाटी डीवो से कुछ मतलब नहीं होने वाला। उरुस अच्छी गाड़ी है एक्चुअली, और वो इससे वो सीधा 9 या 9.5 तक की रेटिंग लेगी, बट वो 9 वाली जो कार है ना, वो कार ज्यादा अच्छी है। दिखाता हूँ ये कहाँ गई। अरे भाई भाई भाई, आज लग रहा है फिर से लग। अबे यार लिटिल बॉस का कॉल है। क्यों बॉस इन दा सिटी, ये दा करके ना सिर्फ लिटिल बॉस दिखता है। ये देखो रैपर हमको लपेटे में अलग ही ले गए। मतलब मुझे अभी सीधे सीधे ही जाना है सर। बढ़िया भाई। अबे यार क्या है, मेरी पोर्स से मेरे को ठोकता है साला। मैंने उसको अच्छी खासी 6.8 में एक पोर्स खरीद के दी ताकि मेरे को पैसा ज्यादा मिले, लेकिन भाई अलग ही बेइज्जती चालू कर दी। चल भाई बैठ जा फटाफट। अरे इधर ही जाने का 20 सेकंड में इसको ऐसे कर जाने का इन दा कैसी बात हो गई। 30 सेकंड में बंदे को वहां पहुंचना है सिटी में। सिटी में नहीं, अच्छा दा हिल्स पे जाना है। एक्चुअली इस प्लेस को तो दा हिल्स भी कहते हैं भाई। इसको मेरे को नहीं पता इसने दा सिटी कहां से ले लिया इस सिटी का नाम। बच गए, मैंने बोला था नहीं, ये मेरे को तो मनी बैक फॉर यू। अब इसको कहते हैं दिल खोल के बचाना। इसका तो एक दिन का मतलब करोड़ों रुपए, एक दिन का इसका स्पेंडिंग ही 1 करोड़ होगा। कमाता तो यूं भी 100 करोड़ होगा। ऑब्वियस सी बात है बहुत दिल खोल के। तो अब मैं जाऊंगा कार शॉप। अब देखते हैं। ओ भाई साहब सही है, 4,50,000 में ये ले सकता हूँ। 6,80,000 में तो ये बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा। ये भी 9 की है, 20। दोनों की स्पीड सेम है, रेटिंग सेम है, प्राइस ज्यादा है क्योंकि इसका हॉर्स पावर भी ज्यादा है, मतलब ये तेज होगी उससे। ये कार तो भाई कोई नहीं ले सकता अभी। और ये कैटरिलैक लीमो बहुत रेयर कार होती है प्रेसिडेंट के लिए। रोल्स रॉयस घोष चलाने में अलग ही मजा जरूर है। 575 में लूंगा जरूर, 1 लाख ही ज्यादा चाहिए। और जो मैं करके रहूंगा अभी। किसका कॉल आया है अभी तो ड्राइव करके जाना है। वैसे मेरे को मोस्टली टेलीफोनिक आप दूसरे बंदों की एक्स्ट्रा कंपनी टैक्सी हो गई या दूसरे बंदे खुद हो गए उनसे नहीं टकरा होगा। जब टकरा किसका है, मैंने तो ये भी नहीं देखा किसका कॉल है। किसका है लुगाइट सालमन। ओके है ऐसे कोई कोई तो रैंडम बंदा है, बहुत कम पैसे देते हैं। इंजीनियर है, अरे हाँ इंजीनियर से अगर आप करते हो आपको सीईओ का कॉल आता है, सीईओ का। मेरे को तो भाई बिना इंजीनियर रिलेशनशिप के इतना तगड़ा। और वो जो नया रैपर था माफिया बॉस के साथ भाई बहुत गंदा हुआ है। वो दूसरे माफिया उसको सजेस्ट नहीं करेगा अभी मेरा मेरा टैक्सी कंपनी, क्योंकि उसकी एक रेटिंग भी बढ़ती ना उसको अच्छा ही लगता है। भाई साहब दिन का मेरा छठा सातवा कॉल आ गया। हाँ भाई ओके, ये मेरी कार लग रही है। अब किस
टॉपर है ना, क्या नाम, लॉरेन ब्रोमैन। टॉपर तो नहीं है, एक ब्रोमैन करके एक और टॉपर ब्रोमैन ही भाई है कि इंसान ये मस्त लगता है इसका नाम ब्रोमैन। ब्रो भी बोलता है मैन, नाम अच्छे रखे हैं बैठे इतने, यू नो काइंड ऑफ सिंपल सिटीजंस। माफिया बॉस का तो नाम भी नहीं लगा इनने, सिर्फ माफिया बॉस। ये बंदी $1,000 से ज्यादा नहीं देती मेरे को, बहुत छोड़ा। अब मैं वापस से जाऊंगा, 4,50,000 होने वाला है ना, 4,50,000 में मैं 8.5 की गाड़ी ले सकता। ANG1 भाई तगड़ी गाड़ी है, बुगाटी नहीं, कहाँ एक कोई सी तो कार थी यहाँ पे, फास्टेस्ट कार थी वो। हाँ बुगाटी डीवो भी नहीं थी, बुगाटी डीवो से भी तेज चीज थी ये, कोने से जेस्को। क्यों, क्योंकि ओए टेस्ला रोस्टर भी अच्छी कार है, लेकिन मिलती है टेक रिलेशनशिप। मेरे को तो अभी गोल्ड मेडल्स भी नहीं मिले हैं। ये देखो क्वाट्रो स्पोर्टी मसराटी, जो मैं आराम से ले सकता हूँ और फुल अपग्रेड मार सकता हूँ। ये मेरे को बहुत पसंद है, 7.6 रेटिंग वाला ट्रक। आ गया है कॉल, बैंक। अरे वाह बेटे, मौज कर दी भाई, ये कभी कभी बहुत ज्यादा कर दी। पलटी तो थी गाड़ी, चल भाई हॉस्पिटल से लेफ्ट लेना है, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल आ गया, नेक्स्ट गली से लेफ्ट। और अब सीधे सीधे जाना तो हम डायरेक्ट पहाड़ से निकलते हैं। कौन था वैसे सीईओ, लग पॉलिटिशियन लग रही है ये मेरे को, केटी कैश। अरे भाई 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 भाई, केटी कैश का दूसरा फोन, लिल बॉस का पहले ही था, पर एक दिन में 1 करोड़ कमाना है ना, तो लिटिल बॉस को ही चुनना। चल खड़ी हो वो केटी कैश, मेरे को कैश पकौड़ी का चल रही है। मैं बार बार कार शॉप में जा रहा हूँ, आपको अनुमान हो रहा होगा। एक और गाड़ी थी फोर मर्सेराटी MK21, ये फरारी की SUV मस्त लगती ना, उसका हॉर्स पावर भी अच्छा है, और इसका रेटिंग भी 7.7 है। बेंटले कोलोनाइजर मस्त गाड़ी, मेरे को पहले बहुत पसंद थी, बट अब चाहिए तो मैं रोल्स रोल्स रॉयस ये ले सकता हूँ मैं, या तो घोस्ट या फिर रोल्स रॉयस फैंटम है। मेरे को फैंटम ज्यादा पसंद है, ये घोस्ट है। ओके अरे भाई भाई भाई, डॉक्टर सोंजा बीवर भाई, मैं अपने सिर्फ कोट्स पढ़ के बता सकता हूँ कि बंदों को जाना कहाँ है, क्यों, क्योंकि मुझको पता है, तुम यार डेली कस्टमर है भाई, मतलब लाइक दिन में ये इस बंदी का चौथा कॉल है। चल आज देखो अलग ही तेजी में लग गई, बना ये टर्न पे बहुत स्लो थी गाड़ी, गाइस वैसे मेरे को पैसे नहीं मिलते, बट मैं हार्टून्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, द बेस्ट टोन भाई। यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था हो पाएगा मेरे से, तो बहुत महंगा है आर्नोल्ड। अबे जान दे, बाय बाय।
रेपुटेशन यानी कि ट्रॉफीज, उसके लिए हमें लगता है वो। हाँ ओके, लेट्स ट्राई अ 360। हाँ अरे वाह, सीधे सीधे जाना है, बट किसका था भाई? क्या था? मैंने पढ़ा नहीं, आप बता सकते कमेंट करके कौन था वो? अब देखना 2 मिनट बाद आएगा बॉस द कार ब्रो। कौन है वो? कौन है? पॉली शिट 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 अब मैं पॉलिटिशियन आ रहा है, अब मेरे पास बत्ती वाली गाड़ी तो है नहीं। हमारे यहाँ वैसे वो सायरन वाली गाड़ी है, तो हिंदी में बोला जाता है बत्ती वाली गाड़ी, तो दैट्स कॉल्ड बत्ती वाली गाड़ी। और हाँ मैं भूल गया था, लाइक मेरे को सीरियसली आदत है। ओ ये मेरे को लगा ही था होटल होटल भी नहीं कर होटल होटल का नाम तक बिगाड़ दिया भाई, कल की इज्जत तो रख लेता। मैंने 25,000 डॉलर दिए, मैं जहां पे भी हूं ना मेरे को पता है। अरे ओए कहाँ पे भाई वो बंदे की लोकेशन बार जल्दी घर है भाई टेडी। मैं की तरह वीडियो नहीं बनाता, तुम बोल रहे हो तो सामने वाला बोलना ही चाहिए। फालतू की बात, जाएंगे गैराज में। 523 हो गए, 575 है। मैम रोल्स रॉयस घोस्ट ले सकता, रोल्स रॉयस की बेस्ट कार, लेकिन मुझको ये चाहिए। आगे हेडलाइट में काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये, तो मैं वो पीछे देख लो, ये अजीब से डिजाइन है। हाँ रुको गराज देखते हैं, मेरे को सिर्फ देखना है भाई टॉप गराज। हाँ भी यही सिलेक्ट, एक बेसिक गराज भी था बीच में, ये देखो बेसिक गराज। ऊपर मैंने देखा नहीं क्या था, क्योंकि मैंने इस गराज को लिया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट टॉप गराज ले लिया था। वाह बेड़े मौज कर दी तुमने, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? बिल्ड करो इसको पहले, ये हट, यहाँ पे आनी चाहिए ऑफिस चेयर। डन। अबे टट्टे कहाँ से आया बे तू, सीधी कर। हाँ बे डन, यहाँ पे मैं तो रखूंगा ऑफिस, नहीं नहीं कहेंगे डेस्कटॉप पीसी, नहीं यार वो बड़े वाले को क्या कहते हैं? एक सेकेंड, क्या यहाँ पे बड़ा पीसी नहीं रखा था ना? डन, अब लगा डेस्कटॉप पीसी ही रखना पड़ेगा, पूरा आगे मूव कर देता हूँ इसको। एंड अब चेयर को करते हैं, नहीं, बेस्ट डन। पेंट वॉल्स में कर दूंगा ब्लैक, ब्लैक से वाइट। कार लिफ्ट का कलर मैं रखूंगा ब्लू, सपोर्ट्स का कलर हो जाएगा वाइट। डन भाई, लेकिन मेरे को गराज ही नहीं चाहिए वाला, जब मेरे पास मॉडर्न गराज है तब मैं वो लेके करूंगा ही क्या?
लगता है एक बार कैरेक्टर रीसेट कर लेना चाहिए। अरे हाँ, इससे $1,000 क्लेम करने हैं। बस यही लास्ट थिंग बच गई थी। अरे यार, अबे जा यार। चलो ऐसे ही बाय बोल देता हूँ। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।